नमस्कार दोस्तों, आज हम आरंभिक समाज अध्याय का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि सोनाक्षी ने अपने दादा से प्रश्न किया तथा उसके दादा उसे विस्तार से सब कुछ बताने लगे, परंतु उसके दादा की बताई पूरी बात हम पिछली कक्षा में नहीं जान पाए थे, इसलिए आगे की बातों को हम आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम उन स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हमें आदि मानव की जानकारी मिलती है। किस प्रकार आग की खोज हुई इसका अध्ययन हम करेंगे। कैसे धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन आया इसके बारे में हम जानेंगे। और अंत में प्राचीन शैल चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आदिमानव की जानकारी के स्रोतों से। बच्चों, हमारे पुरातात्विक विभाग के जो लोग हैं वो इतिहास को जानने के लिए लगातार जमीन की खुदाई करते रहते हैं। उन्हें यहाँ से कई प्रकार के अवशेष मिले जिनमें पत्थर, लकड़ी तथा हड्डियों के अवशेष प्रमुख हैं। हमारे झारखंड के झरिया में जो कोयले की खान है वहाँ से हमें पत्थर की कुल्हाड़ी मिली। और चक्रधरपुर के निकट संजय नदी घाटी के आसपास हमें चाकुनुमा धारदार पत्थर प्राप्त हुआ। ये कई साल पहले बनाए गए प्राचीनतम हथियार हैं जो हमें उस समय के बारे में जानने में सहायता प्रदान करते हैं। ऐसी ही एक जगह भीमबेटका है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां से भी प्राचीन मानव के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। आइए अब बात करते हैं आग की खोज के बारे में। जैसा कि हमें पता है, प्राचीन समय में आदि मानव पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया करता था और वह पत्थरों को आपस में पटक पटक कर उन्हें धारदार या नुकीला बनाता था। जब वह उन्हें आपस में टकराता था तो उसमें से चिंगारी निकली होगी जो वहां पड़ी सूखी घास में जाकर आग बन गई होगी। इस प्रकार मानव ने आग की खोज भी कर ली। अब वह आग का प्रयोग खाना बनाने तथा हथियार बनाने और साथ साथ ठंड से बचने के लिए करने लगा होगा। बच्चों, आज भी जंगलों में हाथियों या फिर सुअरों के झुंड को भगाने के लिए लोग लकड़ियों के मसाल बनाते हैं। ऐसे ही आदिमानव भी खतरनाक जानवरों से खुद को बचाने के लिए आग का इस्तेमाल करते होंगे। बच्चों, आइए अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की। आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व धरती की जलवायु में परिवर्तन आने लगा था। नए नए घास के मैदानों का निर्माण होने लगा था। घास को खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जिनमें हिरण, बकरियां तथा गाय प्रमुख हैं। मानव इन जानवरों के खाने पीने तथा प्रजनन की जानकारी जुटाने लग गया और अपनी जरूरत के मुताबिक वह इन जानवरों को पालने भी लग गया। धीरे धीरे अपने विकास की ओर अग्रसर होता गया। आइए अब बात करते हैं शैल चित्रकारी की। बच्चों, प्राचीन काल में जब मानव गुफाओं या कंदराओं में रहता था तो शायद खाली समय में वह उन गुफाओं को सजाने में लगा रहता होगा। उसने अपने औजारों से उस समय के दृश्यों को पत्थरों पर उकेरना शुरू किया। पत्थरों पर बनाए गए चित्र ही शैल चित्र कहलाते हैं। ये चित्रकारी हमें अजंता, एलोरा तथा भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। हमने आज प्राचीन स्रोतों की जानकारी हासिल की।
जिससे हमें आदिमानव के बारे में पता चलता है। आग की खोज कैसे हुई यह हमने जाना, साथ ही जलवायु परिवर्तन तथा शैल चित्रकारी का हमने अध्ययन किया। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।